हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस शेयर में अगर किसी ने पैसा लगाया, ओके, तो रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएंगे। तो बहुत बड़ा साजिश जी कह सकते हैं कि आगे वाले जो कल का टाइम है, कल जब मार्केट ओपन होगी तो शायद रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पर कूदेंगे, और अगर कूदे ओके तो वो फंस जाएंगे और लॉस करा के बैठ जाएंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, क्योंकि देखिए शेयर है पैनी स्टॉक, रिजल्ट आया है बहुत बेहतरीन, बट कंपनी के फंडामेंटल्स उन्होंने नहीं देखे। तो आइए उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। तो बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। शेयर का प्राइस है केवल कितना, आज देखा जाए तो 3.5 रुपये, 3.5 रुपये का ये शेयर आपको मिल रहा है। 3.5 रुपये का शेयर मतलब पेनी स्टॉक, आपको पेनी स्टॉक मिल रहा है, और रिजल्ट रिजल्ट इस कंपनी ने बेहतरीन पेश करे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ क्या लगा हुआ है, अपर सर्किट। अपर सर्किट का मतलब है कि अगर आपने अगर माल उठाने की कोशिश करी तो पहली बात तो आपको मिलेगा नहीं, अगर मिल भी गया ओके, क्योंकि आप डेली लगाते रहेंगे, ये मार्केट ये ऊपर चला जाता रहेगा। शेयर अगर 3.5 है, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा, जैसे आप ले लेंगे, और ले लेंगे तो वहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं, जो एक वीडियो मैंने आपको बना रखी है ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, तो ऑपरेटर किस तरीके से साजिश करेंगे कि वो शेयर को डंप कर देंगे और आप वहाँ पर फंस जाएंगे। तो वो गलती आप मत करिएगा, मैं आपको एक बार सावधान कर रहा हूँ। कल मार्केट ओपन होने वाली है तो इस कंपनी से दूरी बना के रखिए, और भी बहुत सारे पैनी स्टॉक हैं जो कि उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो आइए हम वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, अपर सर्किट आपको लगता हुआ नज़र आ रहा है, आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ पहले मैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए 52 वीक लो 1 रुपये पे शेयर 26 तारीख को चल रहा था, 11 नवंबर 2019 5 रुपये पे चल रहा था, और डिलीवरीज कितनी उठा की गई है, लगभग 40% की डिलीवरी, लगभग 5,16,24,552 करोड़ शेयर यहाँ पर लिए गए हैं। किसने लिए, अब किसी ने भी लिए हो बट रिटेल इन्वेस्टर इसमें हिस्सा ज़रूर होगा, तो वो भी वहाँ फंस सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 करोड़ शेयर आप खरीद रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि और चीज़ें मैं आपको फैक्ट दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, देखिए प्रमोटर्स के लास्ट क्वार्टर में कितने शेयर होल्डिंग पैटर्न थी, 19.29, और अभी कितनी रह गई है, 15.90। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कोई स्लाइटली कम नहीं हो रही है, 4-4%, 5-5% यहाँ पर कम हो रही है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। और ले कौन रहा है, पब्लिक ले रही है, देखिए पब्लिक बड़ा भी 80 थे तो 84 कर लिया, तो वो अपना प्रमोटर्स अपना माल बेच के निकल रहे हैं जैसे ही उन्हें मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है प्रमोटर्स की ही को ही पता है अपनी कंपनी के बारे में, और उन्हें पता है कि ये कंपनी डूबने वाली है, तो माल जितना जल्दी हो सके उतना बेचिए। और डिविडेंड तो क्या देगी, 2015 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया, कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है तो आपको कहाँ से देगी, बट इस बार प्रॉफिट हुआ है। प्लस की बात की जाए, देखिए शेयर कितने हैं प्रमोटर्स के पास, 15% के, और 15% में से प्लस कितने ले रख रखे हैं, आधे से ज़्यादा शेयर उन्होंने प्लस रख रखे हैं, कर्ज में रख रखे हैं, बैंक को दे रखे हैं, कब जब भी बैंक चाहेगी तब उसे बेच के ले सकती है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज आप डूब जाएंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए शेयर यहाँ पर रिटर्न्स का प्रोफाइल देखिए, 6 महीने तक पॉजिटिव में चल रहा है, 3 महीने भी देखेंगे तो ऊपर गया था, ऊपर से डंप किया, नीचे गिरा, और देखिए 10 साल का रिजल्ट देखिए। वी ये ट्रेडिंग के पर्पज़ से ठीक है, ठीक है ट्रेडिंग में माइट भी आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए, बट अगर हम इन्वेस्टर हैं, हम वी आर नॉट ट्रेडर, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें लॉन्ग टर्म देखना है, तो हमें चार्ट पैटर्न देखना है, हमें सब चीज़ देखना है। चार्ट पैटर्न में अभी मैं शो करूँगा आपको। तो अभी यहाँ पर आप देखिए क्या, 10 साल का रिजल्ट क्या है, नेगेटिव, 5 साल नेगेटिव, 4 साल नेगेटिव, 3 ईयर्स नेगेटिव, 1 साल नेगेटिव, ईयर टिल डेट नेगेटिव, 2 ईयर नेगेटिव, 3 मंथ्स नेगेटिव, सब चीज़ नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे भागना क्यों है। तो इसलिए ही मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सतर्क कर रहा हूँ, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स कंटिन्यूसली घटते जा रहे हैं, जहाँ लास्ट ईयर 15,000 करोड़ के रिजर्व्स थे, अब 10,000 के हो गए लास्ट ईयर, अभी कितने रह गए, 6,000 करोड़ के रिजर्व्स केवल रह गए। बोरिंग की बात की जाए, बोरिंग लॉन्ग टर्म में उन्होंने थोड़ी सी जरूर घटाई है, 749.86 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग है, बट आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग देखिए कितनी है, 5,512.42 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग। तो इतनी भारी भरकम तो इस कंपनी ने
कर्ज ले के रख रखा है, तो इसके ऊपर आप विश्वास करके आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली आगे चल के फंसने वाले हैं। करंट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो देखिए घटते जा रहा है, कहाँ 700 था, 619 था, कहाँ 137, और अभी देखिए कि 19 करोड़ रुपए के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और टोटल एसेट की भी अगर बात कर ले तो देखिए एसेट कंटिन्यूसली घटते जा रहे हैं, 26,000 करोड़, 21,000 करोड़, अभी कितनी 17,000 करोड़। तो हर चीज़ में ये नेगेटिव 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 ही आपको दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर अपर सर्किट क्या लग गया, तो आप भागने लग गए। और देखिए अब ये जून का, जैसे कि मैंने प्लेस बताया था, तो प्लेस कितना है, 61, मतलब 19.29 के जो शेयर है उनमें से 61.42 तो उन्होंने कर्ज पे रख रखे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर चुपचाप माल निकल के फॉरेन इन्वेस्टर भी निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब कुछ नहीं होने वाला। DIS की बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी कम कर लिया, बट फंस कौन रहा है, रिटेलर। रिटेलर इसमें ले रहे हैं और लेके चुपचाप फंस रहे हैं और फंस के निकल जाएंगे। देखिए कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है रिलायंस पावर। क्यों इसमें भाग रहे हैं, क्यों अपर सर्किट लगा है, इसका रीज़न है ये कि इनका जो Q2 का रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ गया है। लगभग 106 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इन्हें प्रॉफिट में राइज हुआ है, और 70% का लगभग यहाँ पर राइज हुआ है। तो हुआ क्या है, 70% का राइज हुआ है, तो यहाँ पर लग गया है अपर सर्किट, 20% का अपर सर्किट। 3.5 रुपये का शेयर है, और यहाँ पर अगर हम और भी यहाँ पर देखें, ओके 5 डे 1 मंथ तक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 6 मंथ पे भी, लगभग 6 मंथ का भी अगर देखें तो 4 रुपये 5 रुपये का शेयर आपको 3 रुपये पे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं आगे का लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए नेगेटिव 1 ईयर, अगर 1 ईयर भी देखेंगे तो फिर भी, अगर टॉप टू बॉटम देखेंगे तो भी नेगेटिव है। 5 ईयर्स देखिए, ये देखिए नेगेटिव, मैक्सिमम देखिए क्या है नेगेटिव, कहाँ 300 400 रुपये का चलने वाला शेयर आज आपको कौड़ी के भाव में मिल रहा है। तो इन कंपनी से आप दूर रहिए, और भी बहुत बेहतरीन शेयर हैं। ओके कहीं आप इसमें फंस मत जाना कि Q1 के रिजल्ट अच्छे आ गए तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी देगी और आप उसमें से इजीली निकल जाएंगे, आप प्रॉफिट कमा लेंगे। 3 रुपये का ही तो शेयर है, 3 हज़ार 10 हज़ार लगा लेते हैं, 50 हज़ार लगा लेते हैं, ऐसी गलती मत करिएगा। अपर सर्किट में चल रहा है, ओके कभी भी जो ऑपरेटर जो एक खेल खेल रहे हैं वो कभी भी आपको फंसा देंगे और आप ऊपर से बाई करके बैठ जाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। ओके शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बेकार है, बैलेंस शीट बहुत बेकार है, एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए नेगेटिव में है, और बॉटम अब टॉप टू बॉटम बन रहा है, बट हमारा क्या रहता है, बॉटम टू टॉप चाहे हरे निशान में दिखे तब जाके हम थोड़ा सोच सकते हैं कंपनी अच्छी है। तो आप थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके और कल फंस मत जाना कि हम छोटा शेयर ले, और भी बहुत सारे बेहतरीन शेयर हैं, तो इनको इसकी तरफ से हट के, इधर की तरफ नज़र हटा के दूसरी तरफ नज़र लगाना, दूसरे अच्छे बहुत बेहतरीन शेयर हैं। मेरी वीडियोस देख लेना, और ऊपर आई बटन पे आपको लिंक्स दे दूंगा अच्छे अच्छे शेयर्स की, तो आप उसे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।